नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की बड़ी खबर। रोहित शेखर की हत्या मामले में पत्नी गिरफ्तार, कहा अकेले गला और मुंह दबाकर की हत्या। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या का मामला पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। बताते चले, इस हत्याकांड के मामले में तमाम कोशिशों के बाद क्राइम ब्रांच ने रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी अपूर्वा के खिलाफ ठोस सबूत मिलने के बाद हुई है। इस मामले में शुरू से ही शक की सुई रोहित की पत्नी की तरफ घूम रही थी। बता दें, क्राइम ब्रांच का कहना है कि रोहित के साथ शादीशुदा जिंदगी अपूर्वा शुक्ला तिवारी खुश नहीं थी। यही वजह है कि अपूर्वा ने रोहित को अकेले गला और मुंह दबाकर मार दिया। क्राइम ब्रांच का यह भी कहना है कि हत्या में कोई और अन्य शामिल नहीं था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रोहित की पत्नी अपूर्वा लगातार इस मामले में बयान बदल रही, उससे सारा शक उसी की इर्द गिर्द आकर ठहर जाता था। वारदात वाली रात को लेकर अपूर्वा ने अब तक 3 अलग अलग बयान दिए, जिसकी वजह से पुलिस का शक पुख्ता होने लगा था। पुलिस वारदात के बाद से रोहित की पत्नी समेत घर के 6 लोगों से पूछताछ कर रही थी। इससे पहले पुलिस की शक की सुई 3 लोगों, रोहित की पत्नी, उसके ड्राइवर और नौकर पर थी। पुलिस ने अपूर्वा को गिरफ्तार करने से पहले उससे 3 दिन की पूछताछ की। हालांकि रोहित शेखर की मौत की वजह पहले हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज बताई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शेखर की मौत इन वजहों से नहीं बल्कि उनकी गला दबाकर हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।